वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुल्ताना रसोई में स्वागत है आप सबका। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिकन मलाई टिक्का। तो ये देखिए, हाफ के जी चिकन मैंने धोकर अच्छे से नीट करके रख लिया है। अब इसमें मैं मसाले डालना बताती हूँ आपको क्या क्या इसमें इन्ग्रीडियंट्स जाते हैं। ये मैरिनेशन के लिए है। पहले मैं इसमें डालती हूँ एक हाफ टेबल स्पून नमक, लहसुन 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन डालती हूँ, आपको दही डालती हूँ 1/4 चम्मच। हम कढ़ाई देखिए, ये घट रहना चाहिए एकदम थिक, पानी पूरा ड्रेन करके आप लोग इसे डालिए क्योंकि ये दही घट होना चाहिए, ये टिक्का है इसीलिए इसे घट दही की ज़रूरत होती। आप एक आधा घंटा 2 घंटे ऐसा इतना टाइम आपके पास है, बन के रख दीजिए कपड़े में या छन्नी में डाल दीजिए दही को, पानी पूरा ड्रेन हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन यूज़ कर सकते ताकि दही घट रहे। अब 1 टेबल स्पून में डालेंगे, टी स्पून में जो है सब में धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 टी स्पून में डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, ये 1 टी स्पून है चाट मसाला, डालूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टी स्पून मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, और मैं डालूँगी थोड़ा सा 1/2 टी स्पून गरम मसाला, 1/2 टी स्पून गरम मसाला डाल करके 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम भी इसे रख सकते हैं। तब मैं ढक कर इसे अच्छे से रख दूँगी। ये देखिए दोस्तों, बटर और तेल दोनों मिक्स करके मैं डाल दी हूँ 1 टेबल स्पून। अब मैं जो मैरिनेशन के लिए चिकन रखी थी वो अब मैरिनेशन हो चुका है 2 घंटे का। अब मैं इसमें इस पर फ्राई करूँगी, मीडियम फ्लेम पर रख के आप इसे 10 से 15 मिनट तक इसे इस तरह रख कर फ्राई करें मीडियम हाई फ्लेम पर। दोस्तों मैं सारे जमा चुकी हूँ, अब इसे लो फ्लेम पर, एकदम लो फ्लेम कर दी हूँ मैं। अब तक हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम था, अब मैं लो कर इसे 10 से 15 मिनट इसका पानी सूखने तक अलग पलट कर मैं इसे जमा लूँ। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रेवी जो उसमें बच चुकी थी चिकन में, जब तक चिकन फ्राई हो रहा है तब तक अपन ग्रेवी का मसाला तैयार कर लेंगे। देखिए जो मसाला बचा हुआ था उसमें मैं फ्रेश क्रीम और दही, टंगा हुआ दही 1/3 टेबल स्पून डाल दूंगी मैं, उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही और मलाई दोनों को मैं मिक्स करके रखी हूँ, उसी को मैं इस मसाले में मिला रही हूँ। देखिए मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ, दोनों का मिक्सचर इसमें डालकर, जो पहले की ग्रेवी थी उसमें डालकर मिला लें। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दें, थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून, और थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा जो अपन मलाई और जो दही डाली है उसके लिए फिर से थोड़ा सा डालें नमक, फिर से अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे ही इसको ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे चिकन को फ्राई होने के बाद, दोनों तरफ मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी ब्लैक स्पॉट्स आने, उसके बाद फिर मैं चिकन निकाल लूँगी, उसके बाद मैं ग्रेवी, ये जो ग्रेवी मिक्स कर रही हूँ उसमें डाल दूँगी। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपको ये जो चिकन, ये देखिए मैं मिक्स कर दी हूँ, ये रेडी हो चुका है। अब इसे ढककर रख देंगे, अब अपन चिकन की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसे पलट कर देखते हैं इसका क्या हाल है। हाँ देखिए दोस्तों, एक साइड हो चुका है, इसके अलावा पलटा के दूसरी साइड भी अपन इसी तरह के स्पॉट जो आए हैं ब्लैक स्पॉट, इसी तरह आना चाहिए, बस काले काले ब्लैक कलर के देखें जो आ रहे हैं ना, इसको भी इसी तरह आना चाहिए। देखिए दोस्तों, उन सबको मैंने पलटा लिया, उन सबको भी इसी तरह कलर आने के बाद में फिर मैं आपको निकालने के बाद फिर आपको ग्रेवी की तैयारी में बताऊँगा।
दोस्तों, ये चिकन हो चुका है, देखिए ब्लैक स्पॉट्स आ चुके हैं। अब मैं इसे निकालूंगी, ठीक है। इसे निकालने के बाद मैं ग्रेवी तैयारी करूँगी। दोस्तों, जो मैंने दूसरा पैन चढ़ा लिया है, अब इसमें ग्रेवी की तैयारी करूँगी। फिर जो मैं मिक्स करके रखी थी मलाई और दही, जो मसाला था वो मैं इसमें डालकर अच्छे से भून लूँगी। ये दही का पानी सूखने तक इसे अच्छे से पकने दें, ताकि दही का पानी अच्छे से सूख जाए। उसके बाद अपन जैसे ही पानी सूख जाएगा, तो अपन जो चिकन फ्राई करके रखे थे वो मिक्स कर दें। तेल साइडों से सूख चुका है, मसाला देखिए अच्छे से सूख चुका है। अब इस पैन पर मैं ये जो फ्राई करके रखी थी टिक्का, ये मैं डाल दूँगी इसमें। ये सारा डाल दें, ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं रहती, घटी रहती है, तो ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती सर। अगर आप फिर भी अगर आपको ग्रेवी लूज चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। इसे थोड़ी देर पकने देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ी देर इसे पकने लें। देखिए दोस्तों, एक दो हरी मिर्ची स्लिट करके डाल दीजिए। दो हरी मिर्ची बीच में से इस तरह मैंने आगे करके डाल दी हूँ। इसे दो मिनट के लिए अब मैं इस तरह से मिक्स करके थोड़ा सा स्लो आंच पर मैं छोड़ दूँगी एक दो मिनट, ताकि ग्रेवी का अच्छे सा फ्लेवर उसमें। तो ये देखिए दोस्तों, ये अब हो चुका है। देखिए अच्छे से ग्रेवी हो गई है और पूरा मसाला अच्छे से गोश्त को लग चुका है अंदर, ग्रेवी अंदर तक जा चुकी है और तेल देखिए अच्छे से आ चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करके बताऊँगी आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी डिश तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट कर चुकी हूँ, तो आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी डिश है। रोटी, फुलका, पराठा, लच्छा पराठा, हर वो रोटी से खा सकते हैं, हम चावल से भी खा सकते हैं। ज़रूर बनाना ट्राई करके, ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, और मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसा बना। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे दुआ में याद रख। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय दोस्तों।